आज उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने कहा आपको कि न केवल एमएसएमई के अपने बेहतरीन बेस के लिए जाना जा रहा है, बल्कि अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है। मौजूदा समय में हमारे पास 7 एक्सप्रेसवे पूरी तरह कार्य कर रहे हैं, 6 एक्सप्रेसवे पे वर्तमान में हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कार्यरत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी जनपद में जेवर में बनकर के तैयार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक हम उसे बनाने का लक्ष्य रखते हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे भी इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए बन रहा है। इस वर्ष के अंत तक दिसंबर 2024 में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के पूर्व इसको भी हम क्रियाशील करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं। आज प्रदेश में सड़क का और रेल का देश का सबसे बेहतरीन नेटवर्क हमारे पास मौजूद है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्किल मैन पावर और अनस्किल मैन पावर यह देश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बनकर के उभरा है। 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भी आज उत्तर प्रदेश ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हम तकनीकी रूप से उन्हें सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने और उन्हें तकनीकी रूप से डिजिटली उन्हें सक्षम बनाने के समय राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अगले 5 दिनों तक चलने वाला इंटरनेशनल ट्रेड शो अपने प्रथम संस्करण की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विशेषता को और सामाजिक विविधता को वैश्विक मंच तक प्रस्तुत करने में सफल होगा।